इसके पास चार पहिए हैं पर ये गाड़ी नहीं है। इसके पास एक स्टीयरिंग व्हील है पर ये भागती नहीं है। इसके पास एक डिक्की भी है पर ये पीछे नहीं है। ये है बजाज क्यूट और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका डिटेल्ड रिव्यू, तो एंड तक देखते रहिए गाइस। तो बजाज क्यूट ना ही एक कार है ना ही एक रिक्शा है, ये एक क्वाड्रीसाइकल है। ये एक नया सेगमेंट है जो मार्केट में आया है और बजाज ने काफी कोर्ट्स में लड़ाई कर करके ये सेगमेंट लाया है। दे आर द फर्स्ट इन द सेगमेंट एंड हियर इज द क्यूट। बजाज क्यूट को आप कार से बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि ये कार नहीं है, ना ही कार के नॉर्म्स ना ही कार के रेगुलेशंस इस पे लागू होते हैं सेफ्टी और अदरवाइज। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि ये वीडियो जब आप एंड तक देखें तो आप एक कार की मेंटालिटी से क्यूट को ना देखें, ना ही आप एक रिक्शा की मेंटालिटी से देखें क्योंकि ये रिक्शा से एक स्टेप अबव है। एक स्टेप अबव से ज्यादा मैं बोलूंगा एक मैसिव स्टेप अबव है क्योंकि जो आपको फीचर्स और दूसरी चीजें मिलती हैं, और जब मैं फीचर्स बोलता हूँ काफी फीचर्स नहीं मिलते इसको, बट मोर देन अ रिक्शा एंड इट इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन अ रिक्शा। तो फ्रंट की अगर हम बात करें, इट इज वेरी सिंपल। हेडलाइट्स, टर्न इंडिकेटर्स, एक बड़ा बजाज क्यूट का लोगो और यहाँ पर आपको एक सिंपल बम्पर, ब्लैक बम्पर दिया हुआ है। जो ये सिंपल बम्पर है आप देखेंगे यहाँ पे कोई ग्रिल नहीं है क्योंकि इंजन पीछे है, एंड यहाँ पर आपको एक छोटा सा वेंट दिया हुआ है जो अंदर हवा के लिए है। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा हाउ दैट वर्क्स, बट दिस इज जस्ट द फ्रंट। यहाँ पर कोई फ्रिल्स नहीं है। ऑब्वियसली ये आप सेक्शन खोल सकते हैं, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। ये डिक्की है, अराउंड 41 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस विच इज़ गुड इनफ फॉर लगेज सच एज योर ग्रोसरीज, या अगर आपको एक छोटा सा बैग रखना है, लैपटॉप बैग या कुछ, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर आप साइड देखते हैं तो ये बहुत बेसिक डिज़ाइन है, कुछ ज़्यादा नहीं किया है बजाज ने। थोड़े बहुत एलिमेंट्स जैसे एक यहाँ पर स्ट्रीक दी हुई है डोर पे टू मेक इट लुक अ लिटिल बिट मोर डिज़ाइनर और स्पोर्टी, बट अदर देन दैट अ वेरी बेसिक एंड नो नॉनसेंस एक्सटीरियर लुक। अगर आप मेटल के बारे में बात करेंगे इसमें, तो यहाँ पर आपको रूफ पे, साइड में और रियर में कई जगहों पे मेटल है, बाकी मोस्ट ऑफ इट इज़ अ प्लास्टिक बॉडी। अगेन अगर आप सेफ्टी के बारे में सोचते हो, मैं एक चीज़ बोलूँगा, दिस डज नॉट हैव टू कम्प्लाई विथ कार सेफ्टी नॉर्म्स। ये रिस्ट्रिक्टेड है टू 70 किलोमीटर्स पर आर। इसमें आपको ABS नहीं मिलता, ABS छोड़ो, इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स भी नहीं मिलते हैं, ओनली ड्रम ब्रेक्स। सो इट इज़ अ वेरी बेसिक सेटअप। यहाँ पर आपको साइड में अगर और मैं बताऊँ तो टायर्स, अगर आप देखें ट्यूबलेस 12 इंच के टायर्स हैं। मैं जब गाड़ी चलाऊंगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा टायर्स का फील कैसा है, ब्रेकिंग एंड ऑल द परफॉर्मेंस दैट इज़ अवेलेबल विद द क्यूट। पर साइड में दिस इज़ इट, देर इज़ नथिंग दैट इज़ टू एक्साइटिंग फॉर दिस कार। और रियर में भी सेम चीज़ चलती है। रियर में अगर आप देखें तो इस गाड़ी का लुक अगेन सिंपल, बजाज क्यूट का आपको लोगो मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर आपको आपका टर्न इंडिकेटर, टेल लैंप्स, रिवर्स लाइट एंड दैट्स इट, CNG और क्यू एक करके एक लोगो मिलता है। और अगर आप साइड में देखें ये बम्पर के, यहाँ पे आपको हीट डिसिपेशन के लिए वेंट्स दिए हुए हैं और दैट इज़ बिकॉज द इंजन इज़ यहाँ पे इन द रियर। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये इंजन, ये देखिए। तो यहाँ पर आपका इंजन टक्ड इन है। इंजन की परफॉर्मेंस मैं ड्राइव के टाइम पे आपको बताऊंगा, स्पेक्स एंड एवरीथिंग एल्स। इट इज़ अ वेरी गुड पैकेज, टक्ड इन नाइसली। याद रखिए नैनो में आप इंजन एक्सेस भी नहीं कर सकते थे अनलेस आप अंदर जाके बूट में से खोले इंजन का कवर एंड डू एवरीथिंग, बट दिस इज़ अ वेरी इजी एक्सेस सिस्टम एंड बजाज ने आपके लिए ये सिंपल रखा हुआ है सेटअप। अभी अंदर चल के देखते हैं बजाज ने इंटीरियर में क्या क्या ऑफर किया है। और जैसे बजाज बोलता है इंटरसिटी कम्यूट के लिए ये एवरीडे यूज के लिए अच्छी है या नहीं। अगर हम सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो आप इसकी सीटिंग कंफर्ट गाड़ी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल मत देखिए क्योंकि ये इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, रिक्शाज से तो ऑब्वियसली बेटर है, बट अगर आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सीट्स पे बैठना है तो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। आपको एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको स्पीड, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, ट्रिप और टाइम दिखता है। आपको यहाँ पर एक म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है जो एक बहुत पुराने ज़माने का म्यूजिक सिस्टम है। टच स्क्रीन छोड़ो, इसमें डिस्प्ले और कलर भी नहीं है। यहाँ पर आपको एक बहुत बेसिक सा स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है विथ हॉर्न, नो स्विचेस ऑन द स्टीयरिंग व्हील। सेफ्टी के मामले में दो चीज़ों में आपको ज़रूर बोलूँगा, ये सीट्स कंसर्निंग ही है कि आपको एक तो सीट बेल्ट मिलती है
और दूसरा आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता। हेडरेस्ट दिया आप पर थोड़ा ज़रूरी था, नहीं दिया क्योंकि ये एक क्वाड्रीसाइकिल है और आपको इसके नॉर्म्स कंप्लाई नहीं करने, गाड़ी के नॉर्म्स कंप्लाई नहीं करने, बट बाई चांस आपको कभी ब्रेक मारना पड़ा या आपको झटका लगे तो एक हेडरेस्ट आपको ज़रूर हेल्प करता है। नहीं दिया है गाड़ी में चलेगा, बट उन्होंने काफ़ी जगहों पे कॉम्पेंसेट किया है, स्टोरेज में ज़रूर किया है कॉम्पेंसेट। आगे दो ग्लव बॉक्स मिलते हैं आपको, आपके पास यहाँ पर पॉकेट्स जो है डोर पॉकेट्स काफ़ी बड़ी हैं, और जो पेट्रोल वर्जन होता है इस गाड़ी का, अगेन क्वाड्रीसाइकल, उसमें आपको सीएनजी किट की जगह यहाँ पर नीचे स्टोरेज मिलती है दोनों सीट्स के नीचे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो है कि इसमें एयर कंडीशनिंग नहीं मिलती, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो आपको दो ही चीज़ें हैं ऑप्शंस, एक ये स्लाइडिंग विंडोज़ आप खोल सकते हैं हवा आने के लिए, और दूसरा आपको मैं बता रहा था यहाँ पर नीचे वेंट दिया हुआ है आगे एक्सटीरियर में, वो वेंट जो है वो कनेक्टेड है यहाँ पर ये डिफ्यूज़र में जहाँ से हवा आती है, और बारिशों के टाइम पर इसको अगर आप ऐसे कर दें चेंज तो ये एक मिस्ट डिफ्यूजर बन जाता है, तो आपका विंडस्क्रीन फॉग अप नहीं होगा। चलते हैं पीछे देखने के लिए रियर में क्या है। अब हम आ गए हैं रियर में, और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो फ्रंट सीट है वो एडजस्टेबल है सिर्फ स्लाइडिंग के लिए, आपका रिक्लाइन या फिर आपकी सीट हाइट एडजस्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती। जो अभी सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, और मेरे को जो नीरू मिल रहा है यहाँ पर वो काफ़ी है, इट इज़ नॉट वेरी गुड बट एटलीस्ट मेरी नीज टच नहीं हो रही फ्रंट सीट को। हेडरूम जो है वो भी ठीक है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की थी पीछे बैठ के जब कोई और चला रहा था कि खड्डों पे जब जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका हेड कभी कभी टच होता है। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ, आपको यहाँ पर सेंट्रल टनल नहीं है तो आपके पास फ्री मूविंग स्पेस काफ़ी है। सेम आगे की बात भी है क्योंकि आगे भी आपके पास एक सेंटर कॉन्सोल है नहीं, तो आप ये ड्राइवर साइड से पैसेंजर सीट पर स्लाइड हो सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीट है इसको 60-40 स्प्लिट मिलता है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी ही स्पेस है कुछ सामान रखने की, यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है क्योंकि एक सीएनजी गाड़ी है। दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो रियर की भी सीट्स हैं उनको भी सेम स्लाइडिंग ही विंडोज़ है, ये देखिए ऐसे, और आपको यहाँ पर एक हैंडल भी दिया हुआ है विच इज़ गुड, क्योंकि जब भी आपका क्यूट का ड्राइवर जो एक रिक्शा से आया है चलाएगा तो आपको कुछ पकड़ने के लिए चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो एक रेस 4 ही चल रही है, और उनसे ही आपको बचा के रखने के लिए एक और चीज़ भी दी हुई है, और वो है रियर सीट बेल्ट्स, विच इज़ अ वेरी गुड टच अकॉर्डिंग टू मी। रियर सीट बेल्ट्स ये गाड़ी में देखने को मिली है, क्योंकि मेरे को काफ़ी कम एक्सपेक्टेशंस थी ये गाड़ी के सेफ्टी के लिए, बट जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स है वो दे दिए हैं इस पर, एंड दैट इज़ गुड। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस गाड़ी में एक्सपेक्ट नहीं की थी पर हैं, जैसे कि एक स्मॉल म्यूजिक सिस्टम, 60-40 स्प्लिट, सीट बेल्ट्स, और बहुत कुछ। काफ़ी चीज़ें नहीं है इस गाड़ी में जो मेरे को चाहिए थी हो स्टैंडर्ड, बट लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर। अभी चला के देखते हैं क्यूट और जानते हैं कैसी है ये। तो अब हम आ गए हैं बजाज क्यूट के अंदर और हम इसको अभी चलाएंगे। ये रही इसकी चाबी, काफ़ी बेसिक है, नथिंग टू एक्साइटिंग। हैंड ब्रेक इसका साइड में नीचे है, आपको की का स्लॉट साइड में दिया हुआ है, एंड द वेरी बेसिक सेटअप दैट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कार इज़ राइट हियर। इसकी सीटिंग पोजीशन अच्छी है, नॉट आइडियल फॉर अ कार ओनर, कार ओनर जो है उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट अ बिग स्टेप अप फॉर अ रिक्शा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी ऑलराउंड विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी है, डिसेंट है, मिरर प्लेसमेंट परफेक्ट है। आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा अजीब लगेगा जब आप इसकी विंडोज़ खोलना बंद करना देखेंगे, आपको हमेशा एक परफेक्ट पोजीशन मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका इंजन है वो है एक 216 cc 13 ब्रेक हॉर्स पावर 19 न्यूटन मीटर्स टॉर्क का सिंगल सिलेंडर इंजन। अब ये वाटर कूल्ड इंजन है और ये जो पावर है इसका टॉर्क ज़्यादा है, तो ऑफ द लाइन इन सिटी इट इज़ क्विक। इसको एक 5 स्पीड सिक्वेंशियल गियर बॉक्स मिलता है, एंड गियर शिफ्ट्स आर फन, नाइस एंड ईजी। आपको क्विकली 5th तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कभी आप 50 तक पहुंच गए हैं इसमें, एंड दैट्स वेरी नाइस। लोगों को लगता है कम पावर है तो कुछ खोएगा नहीं, बट मेरे हिसाब से ये एडिक्वेट पावर है और इसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि राइड के बारे में, राइड इसकी काफ़ी डिसेंट है, अच्छी है, कोई प्रॉब्लम आपको आती नहीं है जब आप इसे खड्डों पे से लेकर जाएँ या आप स्पीड बम्प्स पे इसको चलाएँ।
आपको थोड़ा सा महसूस होएगा ज़्यादा गाड़ी से, पर जो इसका इंडिपेंडेंट फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छा है, आपको सारे शॉक्स और झटके एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो है कि इसका जो टर्निंग रेडियस है इट इज़ गुड, नॉट वेरी गुड एज आई एक्सपेक्टेड। मेरे को लगा था कि ये फटैक से घूमेगी, पर कई जगहों पे ये नहीं घूम पा रही थी। बट एक चीज़ है, जो इसका साइज़ है वो आपको सिटी ट्रैफिक में एक्सप्लॉइट करने देगा हर गैप। मेरे को ये काफ़ी ओवरऑल ड्राइव के हिसाब से अच्छी लगी। 70 की टॉप स्पीड लिमिट है, आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके इसमें मत आइए। अगर आप काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर आएंगे गाड़ी के तरफ से तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि ये अजीब है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि जो ये गाड़ी के अंदर आपको ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स है वो डिसेंट है। सीट बेल्ट्स आपकी इसमें परफेक्ट है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडरेस्ट की सिर्फ एक कमी है यहाँ पर, अदर देन दैट दिस कार इज़ गुड एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम विथ इट। चलते हैं वर्डिट की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। तो बजाज क्यूट ना ही एक कार है, ना ही एक रिक्शा है, ये एक क्वाड्रीसाइकल है और उसका प्राइस है एक्स शोरूम दिल्ली 2,63,000 फॉर द पेट्रोल एंड फॉर द सीएनजी 2,83,000। क्या ये जस्टिफाइड है? मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि जो टारगेट ऑडियंस है ये व्हीकल का वो कमर्शियल है। इट इज़ नॉट प्राइवेट ओनरशिप दैट बजाज इज लुकिंग फॉर। प्राइवेट ओनरशिप में आप एक गाड़ी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो ये सब चीज़ें देती नहीं है, बट एक जो रिक्शा है वहाँ से एक अपग्रेड है क्यूट, और रिक्शा वाले के लिए ये काफ़ी सब कुछ है। वेदर प्रूफ, सबसे पहली बात आपको डोर्स मिलते हैं, एक छत मिलती है विच इज़ मेटल, आपको प्रॉपर सीट्स मिलते हैं, आपको एक अच्छा रिलायबल इंजन मिलता है, आपको एक सर्विस पैकेज मिलता है जहाँ पे आपको 1 ईयर और 48,000 किलोमीटर्स का वारंटी है और आपको फर्स्ट 3 सर्विसेज फ्री मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें जो अब आप कैलकुलेट करते हैं द क्यूट स्टार्ट्स टू मेक सेंस। जिसको सिर्फ इंटरसिटी ट्रैवल करना है क्यूट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अगर आपको टू व्हीलर्स अच्छे नहीं लगते और अनसेफ लगते हैं और आपको रिक्शा भी यूज़ नहीं करना पुणे जैसी सिटी में जहाँ पे रिक्शा वाले मीटर के हिसाब से चलते नहीं हैं, तो एक रिक्शा के ऊपर एक आपके पास व्हीकल है और वो है क्यूट। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। क्या आप क्यूट जैसे व्हीकल को कंसिडर करेंगे? आप एक क्वाड्रीसाइकल नए सेगमेंट में अपना हाथ डालेंगे? हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए। ज़रूर हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। टेक केयर, ड्राइव सेफ।